वो तो एक आम आदमी को न्याय ना मिले। मेरा आज की जो मुद्दा है वो यहाँ मैहर के कांग्रेस प्रत्याशी धर्मेश घई, जो घई स्टोन का संचालन करते हैं, उनके पुत्र ध्यानेंद्र घई और उनके भागीदार संजय राय, उनके खिलाफ है। मेरा परिचय ये है, मैं आरएम एक्सकेवेशन पेट्रोल पंप लखनपुर मैहर का मालिक हूँ। मेरे पंप से घई स्टोन में विगत 16-17 सालों से डीजल जाता था, जिसमें अगनजीत घई जब होते थे तो अच्छे से पेमेंट आ जाता था, लेकिन इन्होंने सन 18 से पेमेंट देना बंद कर दिया। दिया कभी नहीं दिया, बहुत रुला के दिया, और 2020 के बाद इन्होंने बिल्कुल पेमेंट देना ही बंद कर दिया। हम लोगों ने सैकड़ों चक्कर काटे, कई बार ये चेक देते थे छोटे छोटे 1,50,000 रुपये के बाउंस हो जाते थे। ये आज कहते हैं धर्मेश घई कि हमारी स्वच्छ छवि है, हमारा 10.5 लाख का चेक बाउंस हुआ है इनका, इन्होंने ये चेक दिया है वो SBI के बंद खाते का दिया है। ये क्राइम है, बंद खाते का चेक देना। धर्मेश घई, ध्यानेंद्र घई और संजय राय ने जानबूझ के षड्यंत्र पूर्वक गबन करते हुए, दोषपूर्ण व्यवहार करते हुए मुझे चेक दिया जो बाउंस हो गया। इसकी मैंने मैहर कोतवाली में पुलिस की सूचना दे दिया है, इनको नोटिसें दे दी हैं और जल्दी ही मैं मामला भी दायर कर दूंगा। ये कहते हैं धर्मेश घई कि मेरी बड़ी स्वच्छ छवि है और मैं बड़ा ईमानदार हूँ। इन्होंने चाय वाले का पैसा नहीं दिया है, इनके घर इनकी दुकान के सामने चाय वाला है, ये हम लोग मिलने जाते थे, इन्होंने सिक्योरिटी लगा लिया, बड़े बड़े गार्ड लगा लिए बंदूक वाले ESS के, उस सिक्योरिटी एजेंसी के भी 2 लाख रुपए इनको पेमेंट देना बकाया है। इन्होंने किसी आदमी को नहीं छोड़ा जिसका पेमेंट दिया हो, ये हजारों आदमियों का पेमेंट खाए हुए हैं। ये एक योग प्रत्याशी होने के लायक, मैहर के विधायक बनने लायक कतई नहीं है, ये बेमान आदमी है, फ्रॉड आदमी है। इनको किसी भी होशियार मतदाता को इनको वोट नहीं देना चाहिए, और ये करोड़ों रुपए अपने इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं, हमारा 10.5 लाख रुपए नहीं दे सकते। कितने चक्कर कटवाए इन्होंने मुझे तो याद ही नहीं। मैं जब मैहर पेट्रोल पंप में रहने वाला सतना का निवासी हूँ, जब मैं मैहर आता था मेरा पहला काम होता था कि इनके सड़े हुए ऑफिस में जाकर पहले माथा टिकाओ, सीढ़ी अजीब सी है इनके ऑफिस की, और वहाँ शिवानंद इनके मैनेजर हैं, वहाँ के धूर्त, झूठ बोलना। अब ये बोलना है कि हमने आपको ये दे दिया वो दे दिया उसमें एडजस्ट कर लो, अरे भाई साहब हमने डीजल आपको पूरा दिया, आप हमको नकद पेमेंट दीजिए, ये बहुत फ्रॉड आदमी है। अगर मैंने पुलिस को सूचना दे दी है, अगर 2 दिन में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो मैं अमरण अनशन करूंगा, जिसके जिम्मेदार मैहर की जनता होगी, यहाँ का प्रशासन होगा, इसलिए देख लें मैं अमरण अनशन करूंगा। धन्यवाद। क्या एविडेंस है आपके पास जो आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं धर्मेश घई के ऊपर? चेक है मेरा, ये चेक देख लीजिए, चेक बाउंस है, चेक की स्लिप है, खाता इनका बंद है। चेक किनके द्वारा दिया गया था आपको? चेक इनके मैनेजर शिवानंद द्वारा दिया गया था। हस्ताक्षर किसके हैं चेक पर? हस्ताक्षर तो मैं साहब नहीं जानता कौन कौन की चिड़िया बैठाए रहते हैं, बाकी मौखिक बात सनी घई से हुई थी, धर्मेश घई से हुई थी, संजय राय से हुई थी, कि क्या नाम से चेक कैसे साबित करेंगे आप? ये उनके घई स्टोन लिखा हुआ है, घई स्टोन फर्म के नाम का चेक है, घई स्टोन फर्म के नाम का चेक है 10.5 लाख का। कहिए चेक मैं ओरिजिनल ला के भी आपको दिखा दूं, हमारी गाड़ी में रखा हुआ है, घई स्टोन के नाम का ओरिजिनल चेक है, ये ऊपर बैंक से बाउंस।